इंदौर में 24 मार्च से बंद धार्मिक स्थल लगभग 188 दिन बाद आज खुलने जा रहे हैं। श्री गणपति मंदिर खजराना खोलने के संबंध में प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश अनुसार निगम कमिश्नर मंदिर प्रशासक श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर आज प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। इस संबंध में उप समिति के अध्यक्ष मुख्य पुजारी अशोक भट्ट ने आज मंदिर खोलने के संबंध में मीटिंग आयोजित की। प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए कई गाइडलाइंस जारी की गई, जैसे मंदिर आज से प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, साथ ही चलित दर्शन व्यवस्था रहेगी। प्रति घंटे में 120 श्रद्धालुओं के दर्शन कराए जाएंगे एवं श्रद्धालु अभिषेक श्रृंगार हेतु 501 रुपए की रसीद प्राप्त कर शीघ्र चलित दर्शन कर सकेंगे। अभिषेक श्रृंगार पुजारी ही करेंगे। अन्य क्षेत्र की 2500 रुपये या अधिक की रसीद प्राप्त कर शीघ्र चलित दर्शन कर सकेंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। मास्क का लगाना अनिवार्य होगा। खासकर बच्चे और 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग लोगों को समझाइश दी जाएगी कि वह मंदिर नहीं आए। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। रोलिंग। प्रशासन ने किस तरह की गाइडलाइंस को बताते हुए मंदिर को खोलने की इजाजत दी है, ये आपकी तरफ से किस तरह के एहतियात बरत जा रहे हैं जनता को लेकर? आज सुबह 9 बजे से सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में दर्शन चालू कर दिए गए हैं और प्रतिदिन का समय सुबह 9 बजे से और शाम को 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना अनिवार्य है और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनका थर्मल स्क्रीनिंग से टेम्परेचर लिया जाएगा और उसके अलावा वहां पे हाथ और पैर साबुन से धोने के पश्चात ही उनको मंदिर में आने की अनुमति है। जनता को मतलब पहली की तरह उत्साह दिखाई दे रहा है या कुछ कमजोर है? बहुत उत्साह था और सुबह से ही करीब 8 बजे से ही श्रद्धालु आके और जमा हो गए थे और उन्होंने फिर दर्शन करे 9 बजे के करीब आरती के पश्चात। समय क्या है मंदिर का खुलने और बंद होने का समय? सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक। अपना नाम बता दीजिए। पुजारी उमेश भट्ट, खजराना गणेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।